टू डी किलोमीटर ठीक है ये टोटल डिस्टेंस है ओके तो इसका मतलब क्वेश्चन में क्या बोला गया है हाफ ऑफ इस जर्नी अब इस डी का हाफ करेंगे तो ये डी आ जाएगा और इस टाइम पे स्पीड कितनी है इस डी किलोमीटर को कवर करने के लिए स्पीड है थर्टी किलोमीटर पर आवर और इस डी किलोमीटर को कवर करने के लिए टाइम कितना लगा तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है तो डिस्टेंस है डी अपॉन में स्पीड आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आर तो ये हो जाएगा टाइम यहाँ से कितना लगा डी अपॉन थर्टी आर ठीक है उसके बाद जो रिमेनिंग हाफ है मतलब डी किलोमीटर है इसको इ, इसको कवर करने में कितना स्पीड से कवर किया है सबसे पहले तो 20 किलोमीटर पर आर और इसको कवर करने के लिए कितना टाइम लगा टाइम इज इक्वल टू d अपॉन ट्वेंटी आर ठीक है हमें यहाँ पे एवरेज स्पीड बतानी है तो यहां से एवरेज स्पीड इज इक्वल टू किसके होता है टोटल डिस्टेंस लिए कितना टाइम लग रहा है डी अपॉन थर्टी आर प्लस जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसको कवर करने के लिए कितना टाइम लग रहा है डी अपॉन ट्वेंटी ठीक है, है 20, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से एवरेज स्पीड आ जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा टू डी अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2d डी प्लस थ्री इसको सॉल्व किया टू डी अपॉन फाइव डी अपॉन सिक्सटी तो 5, 12, 60 होता है और d से d कैंसिल हो गया अब ये 12 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा टू इंटू ट्वेल्व इक्वल टू ट्वेंटी किलोमीटर पर आर तो यहाँ से एवरेज स्पीड आ गई ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर जो कि ऑप्शन वन है तो ऑप्शन वन हमारा करेक्ट आंसर है थैंक यू To 12 से लेकर नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा होता आज डाउनलोड करें डाउट ने या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर